उन्होंने क्या किया, तपस्या करके वे जो है योग ध्यान का अभ्यास हुआ। और इस योग ध्यान का अभ्यास या सिद्धि तथा साक्षात्कार का लक्षण लक्ष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। तो ध्यान और समाधि ये जो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्राप्त करना। और ऐसे करने से श्री भगवान हरि अपने शरणागत भक्तों के समस्त इच्छाओं को पूरा करते। अभी इच्छा क्या थी, इच्छा ये थी कि वे जो है ब्रह्मा जी के आदेश का पालन करें। तो कर्दम भूमि में परम पुरुषोत्तम भगवान हरि को अपनी भक्ति से उनके अनेक प्रकार से प्रसन्न किया। तो उद्देश्य क्या था, भगवान को प्रसन्न, भक्ति को क्रिया योग शब्द से योग किया गया है। कर्दम मुनि ने केवल ध्यान केवल न केवल ध्यान करते थे वरन भक्ति में भी संलग्न थे। तो क्रिया योग क्या है, क्रिया योग है भगवान के ऊपर ध्यान करके, ध्यान और भक्ति दोनों, सिर्फ कुछ निराकार ब्रह्म के ऊपर ध्यान नहीं, लेकिन ध्यान किसके ऊपर, भगवान। तो इसे क्रिया योग। चाहे योग हो या ध्यान, मनुष्य को सिद्धि के लिए श्रवण कीर्तन स्मरण आदि के द्वारा भक्ति करनी होती है। योग या ध्यान जो भी हम करते हैं उसमें जो है अगर सिद्धि को प्राप्त करना है तो श्रवण कीर्तन स्मरण होना जरूरी है, क्योंकि स्मरण भी ध्यान। भगवान का स्मरण जब हम करते हैं, जैसे कि नौवें भक्ति में नौ अंग है भक्ति के, उसमें श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, तो स्मरण भी एक प्रकार का ध्यान। और ये तीन चीजें बहुत जरूरी, श्रवण कीर्तन और स्मरण। जब श्रवण करना मतलब सुनना जरूरी, नित्यम भागवत सुनना, भगवान के विषय में सुनना। और जब भगवान के विषय में सुनते हैं तो भगवान के विषय में जो हम सुनते हैं तो वो बताते हैं, बोलते हैं कीर्तन को कथा या सुंदर भजन या संकीर्तन। और ऐसे करने से जब हम श्रवण और कीर्तन करते हैं तो हम भगवान का स्मरण निरंतर कर सकते हैं। और इस स्मरण को समाधि कहा गया। या ध्यान, किंतु स्मरण किसका किया जाए, मनुष्य को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करना चाहिए। वे केवल श्री भगवान का स्मरण करना चाहिए वरन भगवान के कार्यों का स्मरण और उनकी महिमा का कीर्तन भी करना चाहिए। तो भगवान के कार्य का स्मरण, भगवान की महिमा का कीर्तन,
ये करना चाहिए, श्रवणम कीर्तनम जरूरी है। और ये जानकारी प्रमाणिक धर्म ग्रंथों में मिलती है, सभी ग्रंथों में यही। तो 10,000 वर्ष तक विभिन्न प्रकार की भक्तिमय सेवा करने के बाद कर्दम मुनि को ज्ञान में सिद्धि प्राप्त हुई। याद वर्णन किया जा रहा है कि 10,000 वर्ष अनेक प्रकार भक्तिमय सेवा और तपस्या और ध्यान करने के बाद उनको सिद्धि प्राप्त। तो 10,000 वर्ष बहुत अधिक हमारे लिए, इतना आयु भी नहीं, सचिव का वर्णन किया इतना आयु नहीं। तो इसलिए इस युग में हरिनाम नाम संकीर्तन, भगवान के दिव्य नाम का उच्चारण और सभी दिव्य नामों का उच्चारण, श्री चैतन्य महाप्रभु हरे कृष्ण महामंत्र में था। तो यही हमारा ध्यान, यही हमारी सिद्धि है, यही हमारी हमारा समाधि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। तो इस कलयुग का के लिए ये विधि बताई गई है, पर हम भूल जाते हैं, इसीलिए बार बार हमें इसका याद करना बहुत जरूरी है। और इसका इसे करने से हम परम गति को प्राप्त कर सकते हैं। शास्त्र का भी प्रमाण ही मिल जाते तो समय नष्ट नहीं करना चाहिए। अगर हम भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान को साक्षात दर्शन लेना चाहते हैं, तो इस माध्यम ये माध्यम हरे नाम हरे नाम कलम नास्ते व नास्ते व नास्ते व गति अमृता। और कोई रास्ता नहीं है परम गति को प्राप्त करने। परम गति को प्राप्त करने का इस कलयुग में ये विधि। तो हमें ये मायूस नहीं होना चाहिए कि अरे तो 10,000 वर्ष तक ध्यान किया फिर उन्होंने भगवान का दर्शन किया तो ये कितना कठिन है, हम कैसे प्राप्त कर सकते। ये सच्चे लोग का पतत है, सच्चे लोग का जो है भगवत प्राप्ति का मार्ग। तो इस युग में भगवत प्राप्ति का नाम है हरिनाम। जितना भी हरिनाम करेंगे उतना हम जो है प्रगति कर सकते। लेकिन हरिनाम को हम बहुत महत्व देते ही नहीं, हम जब क्लास में आते हैं और सोचते अरे अभी जो कीर्तन चलता होगा चलो आराम से जाओ, कीर्तन के समय में नहीं रहते क्लास में, अभी चाहे जूम हो या प्रत्यक्ष रूप से भी जब क्लास होता है तो लोग सोचते हैं कि नहीं अभी तो आज जूम, जैसे कि जूम क्लास 8 बजे से, तो आज से लेके 8-10 तक या कभी 8:15 तक कीर्तन चलता है। तो सब लोग कहते नहीं ना तो कीर्तन चला चलो चलो अभी थोड़ी देर जब क्लास शुरू हो जाएगा तभी ज्वाइन हो जाओ। पर क्लास के को समझने या आध्यात्मिक
ध्यान को समझने के लिए कीर्तन बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि भक्त हम टाइम पास करते कीर्तन करके ताकि जब ज्वाइन हो जाए, अभी ऐसा ही सोच हो गया कि लेट्स डू कीर्तन बाय द टाइम पीपल विल ज्वाइन, यही हो गया। तो क्या किया जाए, जो विधि है उसको जो सबसे शक्तिशाली विभाग है वो हम जो है उसको ध्यान नहीं देते, क्योंकि हम जानते नहीं हरि नाम की महिमा। तो अगर हम जान ले और सब कुछ बाकी नहीं है, बाकी इन चीजों के ऊपर ध्यान न देते हुए हरि नाम के ऊपर ध्यान देंगे तो हम वो परम सिद्धि को प्राप्त और भगवान को साक्षात्कार भगवान का दर्शन कर सकते। अगर हम इसको अच्छी तरह से परफेक्ट करें, हमें क्या करना है, परफेक्ट करने है, करना है हमारे चैंट हरि नाम को परफेक्ट कर। इसी में काफी भक्त जो है सुबह को बैठ के हरि नाम ध्यान प्रयोग करते, जूम ग्रुप्स भी है जो चैंटिंग सुबह को करती है, चाहे आधा घंटा ही क्यों ना हो, 2 घंटा हो तो बहुत अच्छा। ऐसा करना है तो हम भी कर सकते, क्यों नहीं कर सकते। ये अगर हम सचमुच इसी जीवन में भगवत धाम वापस जाना चाहते हैं तो ये रास्ता है, ये हरे नाम, बाकी का बाद में अर्चना में छोटी सेवा हम करते हैं। ज्ञान ज्ञान से नहीं प्राप्त होते, भगवान तो प्रसन्न होते हैं हरि नाम से, भक्ति से, भक्तिमय सेवा से प्रसन्न। तो यहाँ पे कर्मभूमि का विषय में वर्णन किया है कि अनेक अनेक जो प्रकार की भक्ति करके भक्तिमय सेवा करके वे जो है भगवान को प्रसन्न, और तब सत्ययुग में कमल नयन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने प्रसन्न होकर कर्दमभूमि को अपने दिव्य रूप का दर्शन कराया, तो भगवान प्रसन्न हो। ये सत्ययुग की बात, क्यों सिर्फ ध्यान है, ध्यान के साथ भगवान का भक्ति, इसको कहते हैं क्रिया योग। तो भगवान ने उनका दिव्य रूप का दर्शन कराया, जैसे वेदों के माध्यम से ही जान जो जिसे वेदों के माध्यम से ही जाना जा सकता है कि वेदों के माध्यम मेरे सभी अहम वेद भगवान को जानना, वेदों का उद्देश्य यही है कि भगवान को। तो सुंदर रूप का वर्णन किया गया है काफी श्लोकों के द्वारा, श्लोक संख्या 9 से लेकर 11 तक वर्णन किया गया है। और कर्दमभूमि में भौतिक कल्मश से रहित सूर्य के समान तेज में श्वेत कमलों तथा कुमुदिनियों की माला पहने श्री भगवान के नित्य रूप का दर्शन अभी यहाँ
भगवान के रूप का दर्शन बना वर्णन किया। भगवान ने निर्मल पीला रेशमी वस्त्र धारण कर रखा था। भगवान का सुंदर रूप का वर्णन किया गया और उनके मुख कमल घुंघराले नीले चिकने बालों को गुंचे से सुशोभित, तो उनके बाल जो है घुंघराले स्निग्ध चमकते यहाँ पे चिकनी एकदम सुंदर मुकुट तथा कुंडलों से आभूषित श्री भगवान अपने तीनों हाथों में अपने विशिष्ट शंख चक्र तथा गदा, तो तीन हाथ में क्या था, शंख चक्र और में श्वेत और गदा, और चौथे हाथों हाथ में श्वेत कुमुदिनी धारण किए हुए थे, व्हाइट लोटस। उन्होंने प्रसन्न तथा हसमुख मुद्रा में समस्त भक्तों के चित्त को चुराने वाली चितवन से देखा। भगवान हमेशा जो है ये हंसते हैं, ये मुस्कुराते, उनका सुंदर मुस्कान जो है बहुत सुंदर। अपने वक्षस्थल पर सुनहरी रेखा धारण किए तथा अपने गले में प्रसिद्ध कौस्तुभ मणि लटकाए हुए थे। वे गरुड़ के खंधे पर अपने चरण कमलों कमल रखे हुए आकाश में खड़े थे। तो भगवान का दर्शन गरुड़ के ऊपर, तो ये नवे तथा ग्यारहवें श्लोक में भगवान जिस दिव्य नित्य रूप का वर्णन किया गया है वो प्रामाणिक वैदिक विवरणों से, ये वेदों से है, ऐसा नहीं है कि कदम मुनि की कल्पना इमेजिनेशन नहीं, साक्षात उन्होंने इस प्रकार से दर्शन किया और वे काल्पनिक नहीं, क्योंकि जो दर्शन कदम मुनि ने किया और ये जो यहाँ पे बताया जा रहा है वो वेदों में वर्णित वर्णन। और जब उन्होंने इस प्रकार से दर्शन किया, जब कर्ण मुनि ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का साक्षात दर्शन किया तो वे अत्यधिक तुष्ट हो गए, क्योंकि उसकी दिव्य इच्छा पूर्ण हो गई। तो भगवान अपने भक्तों की इच्छा पूर्ण और अगर भक्त की इच्छा है कि वे भगवान का दर्शन करें तो वे अगर दृढ़ता से भगवान की सेवा और भक्ति करें तो वे दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। और जब उन्होंने दर्शन प्राप्त किया तो वे भगवान के चरण कमलों को नमस्कार करने के लिए नतमस्तक होकर पृथ्वी पर दंडवत का क्या है, डंडा के जैसे, डंडा जैसे से ठा गिरता है, इसी तरह से उन्होंने भगवान पृथ्वी पर गिर पड़े। उनका हृदय स्वाभाविक रूप से भगवत प्रेम से पूरित था।
उन्होंने हाथ जोड़कर स्तुतियां स्तुतियां द्वारा भगवान को तुष्ट किया। तो उन्होंने अपने हाथ जोड़कर भी बहुत उनके हृदय में भगवत प्रेम से भरा हुआ था और उन्होंने भगवान का दर्शन किया। उन्होंने भगवान का दर्शन जब उन्होंने किया तब वे जो है भगवान को नमस्कार करके पृथ्वी पर गिर गए और हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति करी। तो ये जो उन्होंने प्राप्त किया है ये भगवान का के साकार रूप का साक्षात्कार योग के सर्वोच्च सिद्धि अवस्था मानी जाती है। तो ये योग की सर्वोच्च सिद्धि क्या है? भगवान के रूप का साकार रूप निर्विशेष निर्विशेष ब्रह्म नहीं साकार रूप का दर्शन जो है योग की सर्वोच्च सिद्धि है। भगवद गीता के षष्ठम अध्याय में जहाँ योग साधना का वर्णन है भगवान के इस साकार रूप के दर्शन को योग की सिद्धि बतलाया गया। तो भगवद गीता जो का छठा अध्याय जो है ध्यान योग तो उसमें पूरी विधि बताई गई इस प्रकार से। और वर्णन किया गया है कि योग अभ्यास में निरंतर लगा रहकर आत्मसंयम योगी समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है और भगवान की दिव्य प्रेमी प्रेम भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। तो योगी क्या करता है? भगवान निरंतर योग अभ्यास में लगा आत्मसंयम इस प्रकार से ये जो है भगवान का दर्शन। वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको तथा मुझमें समस्त जीवों को देखता है। निस्संदेह स्वरूप सिद्धि व्यक्ति मुझे परमेश्वर को सर्वत्र देखता है। तो भगवान का दर्शन योग सिद्धि से योग की जो सब विधियां हैं वो क्या तो इसीलिए अंत में भगवान कहते हैं कि योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मा श्रद्धावान भजन्ते यो मां समे युक्ततम मतः। भगवान कह रहे हैं कि समस्त योगी में से समस्त योगी जैसे कि ध्यान योगी ज्ञान योगी जितने भी प्रकार कर्म योगी जितने भी प्रकार के योगी हैं जितने भी प्रकार की योग सिद्धियां हैं या योग पद्धति है भगवान कहते हैं ये भगवान कहते मेरा मत भजन ते मन युक्ततम मत मेरा मत यही है कि समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी मेरे परायण है अपने अंतकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरे दिव्य प्रेम भक्ति करता है
वह योगी में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है, यही मेरा मत है। सभी योगियों में योगिनाम अपि सर्वेषा, सभी योगियों में से कौन श्रेष्ठ है? जो मेरा भक्त है। मत मत गतेन अंतर आत्मना, आत्मना जो मेरे अंत, जो मुझे अंतकरण से भगवान कहते मेरे विषय में सोचता है, ये ध्यान सोचता है और मेरी प्रेम भक्ति करता। सोचना सोचना भी है और करना भी है दोनों। तो इस प्रकार से यहाँ पे वर्णन किया जाए तो ये सर्वोच्च सिद्धि है भगवान का साक्षात्कार या साकार रूप का दर्शन। तो उससे क्या होता है कि ये सब आसन है, जैसे कि यहाँ पे अष्टांग योग या ध्यान योग, आसनों तथा अन्य अनुष्ठानों का अभ्यास कर लेने के बाद अंत में समाधि अवस्था प्राप्त होती है। तो ये जो बताया गया है कि अष्टांग योग के 8 अंग और उस वे क्या है, कोई जानता है 8 अंग क्या है? अष्टांग अष्ट अष्ट अंग अष्टांग योग शुरू होता है यम से, यम नियम आसन। ओके, जय श्री राधा। आप बोलिए। हरे कृष्ण माता जी। माता जी, यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा और इतना ही आता है। ओके, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, ये अंग है। किससे शुरू होता है? यम और नियम। माता जी, कैन यू प्लीज रिपीट? यम नियम आसनम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। तो इस प्रकार से ये समाधि तक पहुंचे। इस समाधि अवस्था में श्री भगवान की अंश रूप परमात्मा का या फिर उनके यावत रूप का दर्शन होता है। तो ये परमात्मा, परमात्मा योगी जो है अपने हृदय में परमात्मा का ध्यान और परमात्मा का जो है ये भगवान का अंश है, श्री भगवान के अंश रूप परमात्मा या साक्षात भगवान, जो कर्दम मुनि ने साक्षात भगवान के स्वयं जो है वो जो परमात्मा जो हृदय में सामने प्रमाणिक योग धर्म ग्रंथ में यथा पतंजलि रूप में समाधि को दिव्य आनंद कहा जाता है और दिव्य आनंद की प्राप्ति जो होती है समाधि। तो ये पतंजलि के जो ग्रंथों में योग की जो पद्धति वर्णित है वह प्रामाणिक है। जो अभी जो है
लोगों ने बदल दिया है। अभी क्या है, सब लोग प्राणायाम किसके लिए करते हैं, स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए। प्राणायाम यम नियम कुछ नहीं, आसन और प्राणायाम। पहले तो आसन, अभी प्राणायाम बहुत फेमस हो गया, पर ये इसके लिए नहीं, ये एक अंग है भगवान को समाधि तक पहुंचने के लिए, मन को और इंद्रियों को वश करने के लिए यम नियम से शुरू होता है और फिर आसन प्राणायाम प्रत्याहार और इस प्रकार से जो है धारणा। तो ये रास्ता, तो आसन तो है, इसके लिए आसन किसके लिए, मन को स्थिर करने के लिए, और प्राणायाम के द्वारा मन और भी स्थिर हो जाता है, ब्रेथ कंट्रोल। और प्रत्याहार मतलब अपनी इंद्रियों को वश, विड्रॉल ऑफ द सेंसेस। और उसको धारण करना, धारणा कॉन्सेंट्रेशन और बढ़ जाता। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है तो ध्यान किसके ऊपर, भगवान के ऊपर। और जब भगवान के ऊपर ध्यान करने के बाद समाधि, सब कुछ जो है वो आनंद की प्राप्ति। तो इस प्रकार से ये तात्पर्य बहुत लंबा है, बहुत सारी चीजें बताई गई है इसमें, और समय भी जो है तो पतंजलि के अनुसार जब मनुष्य समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाता है, तो ये जो अंग है उसको करने से ये आसानी से प्राप्त हो जाता है, तो उसे वास्तविक दिव्य पद प्राप्त होता है और उस अवस्था की प्राप्ति को आध्यात्मिक शक्ति कहते हैं, आध्यात्मिक शक्ति। भौतिक कार्यों में मनुष्य प्रकृति के गुणों को व्यवहार में लाता है, ऐसे व्यक्तियों की महत्वाकांक्षाएं इस प्रकार है। तो लोग जो आजकल किसके लिए करते, धार्मिक बनना एक है, आर्थिक रूप से समृद्धि होना, तीसरा इंद्रियों की तुष्टि, परमेश्वर के साथ तदात्म्य, तो आज यही चल रहा। और अद्वैतवादियों के अनुसार जब योगी ब्रह्म के साथ तदाकार प्राप्त करता है और अपना व्यष्टि अस्तित्व खो देता है, तो उसे कैवल्य कहे जाने वाले परम पद की प्राप्ति होती है। तो एक्चुअली ये जो पद वो प्राप्त करना चाहते हैं वो जो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का साक्षात्कार की अवस्था ही कैवल्य। तो ये कैवल्य जो यहाँ पे बताया गया है, जो इस प्रकार से अद्वैतवादी जो है प्राप्त करना चाहते हैं, वो एक्चुअली भगवान का ही साक्षात्कार। यह समझ लेना कि परमेश्वर पूर्णतया आध्यात्मिक है और पूर्ण आत्मबोध की अवस्था में श्री भगवान को समझा जा सकता है, कैवल्य कहलाता है। तो कैवल्य क्या है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का साक्षात्कार। तो अनेक प्रकार की समाधि भी बताई गई है। तो आज जो है बहुत सारा जो है इस अष्टांग योग तो लोगों ने बहुत अपनी मानसिक भ्रांति से उनको तोड़ा मरोड़ा है,
और इसको फॉलो नहीं करते ठीक से और कर भी नहीं सकते क्योंकि इस युग के लिए ये जो है ये अष्टांग योग की विधि बहुत मुश्किल से प्राप्त हो सकती है। इसके लिए लोग जो है उसका आसन और प्राणायाम में ही फंसे पर ये जो है शारीरिक जो है स्वास्थ्य के लिए कर रहे हैं उसमें कोई नियम नहीं है तो ये करते हैं पर क्यों शारीरिक स्वास्थ्य ताकि वे जो है अगर शरीर जो है अस्वस्थ है तो वे इंद्रिय भोग नहीं कर सकते इंद्रिय तृप्ति नहीं खा सकते ये नहीं खा सकते वो नहीं पी सकते यहाँ नहीं जा सकते वहां नहीं घूम सकते इंद्रिय भोग नहीं कर सकते इसके लिए आसन करके प्राणायाम करके और भी इंद्रिय भोग में लगने के लिए वे जो है उसका इस्तेमाल करते हालांकि ये जो है ये जो अष्टांग योग जो पतंजलि ने बताया है वो जो है भगवत साक्षात्कार के लिए और भगवत साक्षात्कार के लिए जो है शरीर जो है स्वस्थ रहना जरूरी तो अगर भक्त लोग भी अगर आसन और प्राणायाम करते हैं वे जो बाकी के जो भौतिकवादी लोग में और उनमें बहुत अंतर है। भक्त अगर योगा कर रहे प्राणायाम कर रहे इसीलिए कर रहे ताकि उनका शरीर स्वस्थ ठीक रहे हेल्दी रहे और जो उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे ताकि वे जो है भगवान की भक्ति में और लग सके ये उद्देश्य इंद्र तृप्ति के लिए। और भौतिकवादी लोग को जो है हमेशा जो है भयभीत ही रहते हैं कि अरे हमें कुछ हो ना जाए हमें कुछ हो ना जाए तो इसीलिए अंतर है। और प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे कि भक्ति योग के वास्तविक भक्त अपने जीवन निर्वाह मात्र के लिए आवश्यक भौतिक वस्तुओं को ही स्वीकार करते वे अतिशय युक्ति पूर्ण भौतिक इंद्रिय तृप्ति से सर्वथा दूर रहते हैं उनको इंटरेस्ट नहीं है उनको क्या इंटरेस्ट सिर्फ जीवन निर्वाह के दे एक्सेप्ट मटेरियल नेसेसिटीज ऑफ लाइफ एब्सोल्युटली नीडेड टू मेंटेन द बॉडी जितना अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखना है उतना ही चीज लो ज्यादा नहीं टू कीप मेंटेन द बॉडी एंड सोल टुगेदर दे रिफ्रेन from sense gratification. श्री भगवान के साक्षात्कार की दिशा में प्रगति के लिए वे सभी प्रकार के कष्टों को सहने के लिए उद्यत रहते हैं तो कष्टों को सहने के लिए मतलब तपस्या भी हो रहा है किसके लिए भगवान की साक्षात के तपस्या कर रहे अपनी इंद्रियों को वश में कर रहे हैं जो है नियमों का पालन कर रहे नियमों को पालन करने का यही उद्देश्य कि इंद्रियों को वश में हो जाए भगवान का ध्यान करते हैं भगवान के रूप का ध्यान करते हैं भगवान की कथा का श्रवण करते हैं और इस प्रकार से उनका स्मरण जो है हमेशा भगवान में ही रहता है। ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जय। थैंक यू वेरी मच। किसी का कोई प्रश्न है माता जी? I didn't understand that yam and niyam. What does it stand for? Like you said, no. Asan is for fixing the mind in a steady manner. So yam moral code. Yam and niyam. Of mind of regulation, oh. Discipline. Okay.
तो यहाँ एक्चुअली वर्णन ये किया जा रहा है कि कर्दम जो है अष्टांग या तपस्या को के साथ साथ भगवान की सेवा भगवान का स्मरण भी किया और भगवान स्वयं उसके सामने प्रकट हो गए और इस युग में अगर हम भगवान का साक्षात्कार करना चाहते हैं तो एक ही रास्ता है वो हरिनाम। उसमें सभी जो और भक्ति योग, भक्ति योग में सभी योगों का उपस्थित, कर्म योग, ज्ञान योग, ज्ञान प्राप्त नहीं कर रहे हैं, ज्ञान तो प्राप्त कर रहे हैं, ज्ञान है, कर्म तो कर रहे हैं, किसके कर्म, कृष्ण कर्म, कर्म योग, ज्ञान योग, ज्ञान योग, ज्ञान किसके ऊपर, और भक्ति योग, तो भक्ति योग में सब कुछ है, टॉप मोस्ट भक्ति। माता जी जय श्री राधा, माता जी।